सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर नकेल कसने के भले ही लाख दावे कर लें, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के सागर पालिका है, जहां राइस मिल मालिक से रंगदारी की मांग की जा रही है। मिल मालिक वीरेंद्र प्रताप गिरी का कहना है कि बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर फर्जी हत्या के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। गांव के हिमांशु शेखर या भ्रष्ट व्यक्ति हैं जो मुझे पैसे वसूली के लिए तंग करते हैं और मुझे व्यवसाय करने में बाधा पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। रिवॉल्वर सहित पकड़ा गया और जेल भी गया और मुझे कहता है कि हत्यारे हैं। उसकी डिमांड ये है कि इनकी मिल सीज की जाए। मिल मेरी खाने पीने का व्यवसाय करने का एक साधन है, उसी को ये सीज करने के लिए गलत तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। जैसे मेरी मिल सही है, मेरे पास FSI नंबर, GST नंबर, मंडी का लाइसेंस, बिजली का कनेक्शन, शिक्षा द्वारा किसानों द्वारा खरीदी गई कॉपी मौजूद है, मैं उसको प्रस्तुत भी करूंगा आपके सामने, है भी मेरे पास। पीड़ित मिल मालिक ने गाँव वालों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच कर सिटी मजिस्ट्रेट को सबूत और ज्ञापन सौंपा और इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। मैं रात में तैयारी एलिगेशन आप उनके लगाएं, वो आप पे लगाएं या कोई चीज करें, नहीं है तुरंत मिल चल के सीज हो जाए, कार्रवाई हो जाए, वो जांच होती है, एक प्रक्रिया है, जो भी सही होगा, जो भी वैधानिक होगा वो कार्य। कानून को ठेंगा दिखा रहे बदमाशों ने व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित व्यवसायी को कब इंसाफ मिल पाता है। बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।